इस वक्त की बड़ी खबर, दबंगों का कहर, ग्राम सभा के दौरान दलित महिला सरपंच को डंडों से पीटा। सतना जिले में एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां ग्राम सभा के दौरान दलित महिला सरपंच को दबंगों ने लाठियों से पीटा। बीच बचाव करने आए दलित महिला पुरुषों को भी दबंगों ने नहीं छोड़ा, उन्हें भी लात जूतों से जमकर पीटा। पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर 4 लोगों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। सतना जिले के मैहर नादन देहात थाना अंतर्गत जरियारी गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जहां पर शासन के निर्देशों के तहत ग्राम सभा का आयोजन चल रहा था। तभी गांव के दबंग चंद्र प्रकाश पटेल, ब्रिजभान पटेल, चंद्रशेखर पटेल, ब्रिज किशोर लोनी ग्राम सभा में पहुंचे और विवाद करना शुरू कर दिया। नव निर्वाचित महिला सरपंच ललिता बौद्ध और ग्राम सभा में मौजूद अन्य लोगों के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, दबंगों ने पंचायत सचिव को भी धमकी दी। दबंग और उनके साथियों ने करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक पंचायत के अंदर दलित महिला सरपंच का अपमान करते रहे और शासकीय कार्य में बाधा डालते रहे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दबंग और उसके 3 साथियों को हिरासत में ले लिया। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इस पूरे मामले में नादन देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने अन्य आरोपियों का नाम FIR में न तो शामिल किया और न ही उनको गिरफ्तार किया है। वहीं पूरे मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। सरपंच सहित गांव के दलितों की मांग है कि सभी लोगों का नाम FIR में शामिल कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे मामले में मैहर देहात थाना पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि आरोपियों पर 151 की धारा लगाकर उन्हें पेश कर जमानत दिलवा दी गई। सत्ताधारी पक्ष से ताल्लुकात रखने वाले दबंग छोटू पटेल के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक प्रकरण थाने में दर्ज हैं।